जय हिंद दोस्तों, एक करेंट अफेयर का तीसरा वीडियो है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में हम नोबल पुरस्कार को शामिल किए हुए हैं। इससे पूर्व भी जो है दो खेल के इम्पोर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे देखिए। बीपीएससी सीडीपीओ के लिए कम से कम 2 मार्क जो है यह जो है लेकर आएगा यहाँ से। देखिए, यह हमारा अपना रिसर्च है कि जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और नोबल पुरस्कार प्रदान करने से पहले हुआ है, तो नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन जो है नहीं आया हुआ है। अगर पुरस्कार के बाद एग्जाम हुआ है तो नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन जो है आया है, और इस बार जो है नोबल प्राइज जो है मिल चुका है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। तो इसलिए आपको जो है नोबल पुरस्कार को जो है इग्नोर नहीं करना है। देखिए, आपको हम यह भी ट्रिक बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पॉइंट जो है आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि जिसे जो है नोबल पुरस्कार मिला है वो कहाँ के व्यक्ति हैं, और इसे जो है किस लिए मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। अगर वो कोई संगठन है तो संगठन का नाम जो है आपको जो है याद रखना है। जिसे अगर कोई संगठन को मिलता है तो उस संगठन का नाम जो है आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आया है नोबल पुरस्कार से, तो 3 जगह से क्वेश्चन जो है आया है, साहित्य से, शांति से, अर्थशास्त्र। और इसलिए जो है इस बार का अगर हम बात करें तो साहित्य को जो आप ज़्यादा फोकस करिएगा, लेकिन आपको सब देखिएगा। ये हम गेस कर रहे हैं ये साहित्य, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साहित्य ही आएगा। फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि आप बोले थे कि साहित्य से आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको फोकस करना है साहित्य पे, और बाकी तो सभी आपको जो याद रखना है। तो हम आपको पॉइंट भी बता दें कि क्या क्या याद रखना है, वो कहाँ के व्यक्ति है, और इसे जो है किस लिए जो पुरस्कार मिला है, और अगर कोई संगठन से रिलेटेड है तो उस संगठन का नाम जो आपको याद रखना है, वो संगठन कहाँ है, इस तरह से। तो आइए ज़्यादा देर करते हुए चलते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी की जो है नोबल पुरस्कार जो है किसके द्वारा मिलता है, तो कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबल असेंबली जो है वह जो है इस पुरस्कार का जो है वितरण करती है। कब? तो 10 दिसंबर को करती है। लेकिन अगर बात करें कि पुरस्कार मिलता कब है, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पुरस्कार जो है अक्टूबर में ही मिल जाता है, लेकिन उसे प्रदान जो है प्रत्येक साल जो 10 दिसंबर को ही जो है किया जाता है। और अगर बात करें कि शांति का पुरस्कार जो है किसके द्वारा मिलता है, तो शांति का पुरस्कार की घोषणा जो नॉर्वे की राजधानी जो ओसलैंड में जो नोबल कमेटी है उसके द्वारा जो है मिलता है। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स का नोबल पुरस्कार की बात करें, तो इसका चयन जो है स्कॉट होम में जो है स्थित है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है, इसके द्वारा जो है आपको याद रखना है। तो 3 चीज़ आपको जो है याद रखना है। और अगर बात करें कि इस बार जो है प्रथम सर्वप्रथम जो है नोबल पुरस्कार जो घोषणा हुआ वो जो है कब हुआ था, तो 4 अक्टूबर को हुआ था। और सबसे पहले जो पुरस्कार इस बार जो घोषणा किया वो चिकित्सा के लिए था, नोबल पुरस्कार 2021 का। तो देखिए, चिकित्सा के लिए 2021 का नोबल पुरस्कार जो है किसे मिला है, तो 2 व्यक्ति को मिला है, डेविड जूलियस और अर्डेम पटाउटियम। किसे? तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटाउटियम, जो कि जो है डेविड जूलियस USA की है और अर्डेम पटाउटियम लेबनान की है। आपको तो हम बता दिए हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, कहाँ के व्यक्ति हैं, क्या नाम है और किस लिए मिला है। शरीर में तापमान, दबाव, स्पर्श, दर्द देने वाले रिसेप्टर्स की खोज के लिए जो इसे जो है मिला है। और यह इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म जो है 1967 में जो है लेबनान के पेरू में हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को आप देखिए। देखिए, मेडिसिन में नोबल किस आधार पर दिया जाता है, क्वेश्चन एक तो बन जाता है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के लिए श्रेणी बनाते समय उन बातों का ध्यान रखा जाता है कि ऐसे खोज से मानव जाति को कितना लाभ होगा। वैज्ञानिक से ऐसी खोज की उम्मीद की जाती है जिससे या तो किसी समस्या के बारे में नई तकनीक से सोचने में मानवता की मदद की हो, या फिर खोज ने किसी समस्या के बारे में लोगों को सोचने के तरीके बदल दिया हो। अब देखिए, बात कर लेते हैं, नोबल समिति के महासचिव ने घोषणा की है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है थॉमस पर्लमैन। क्या है? थॉमस पर्लमैन। और नोबल पुरस्कार में क्या सब मिलता है, तो नोबल पुरस्कार में गोल्ड मेडल मिलता है, जो कि जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रूनर, यानी बात करें तो 8.5 करोड़ रुपया हुआ। अब देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में जो है 2021 का नोबल पुरस्कार किसे मिला है, तो इसमें जो है 2 आदमी को मिला है संयुक्त रूप से, बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन। इसे जो है मिला है, किस लिए मिला है इसे, तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटलिसिस के रूप में जाने जाने वाले अणुओं के निर्माण के लिए एक नए तरीके को विकसित करने में
उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है। तो आपको बता ही दिए हैं कि रसायन का किसे के द्वारा मिलता है पुरस्कार, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जो यह जो है घोषणा की जाती है। टाइम कम है इसलिए हम इसे अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2021 का, तीन व्यक्ति को मिला है। सुकूर मनावे, जैसे आप लोग जो है बात करते हैं सुकूर मनावे, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सुकूर मनावे जापान की है। क्लाउस हैसलमैन जियो जीजियो पारिसी इटली के हैं। और इसे जो है किस लिए जो है मिला है तो देखिए दो अलग अलग के लिए मिला है भौतिकी में। तो सुकूर मनावे और क्लाउस हैसलमैन को जो है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान, परिवर्तनशीलता प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए मिला है। ये दोनों जो है उस पुरस्कार को आधा आधा करेंगे। और स्पेशली जो है जियो पारिसी को जो है परमाणु से लेकर ग्रहों के मंडल तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया के खोज के लिए जो है इसे मिला है। तो आपको याद रखना है दो अलग अलग है, तीन आदमी को मिला है, इसमें दो आदमी को जो है एक जगह किया गया है और एक आदमी को एक जगह मिला है। अब देखिए आप बात कर लेते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव कौन है, तो गोरान हैंसन। कौन है? गोरान हैंसन। और 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यह जो इम्पोर्टेंट है गेस हमारा है, तो अब्दुल रज्जाक गुरना, जो कि तंजानिया के हैं। और किस लिए मिला है, तो उपनिवेशवाद के प्रभाव, संस्कृति, महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए जो है इसे जो है यह जो पुरस्कार जो है नोबेल साहित्य का जो इसे मिला है। अब देखिए नोबेल शांति का 2021 का पुरस्कार किसे मिला है, तो दो व्यक्ति को मिला है, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की है और दमित्री आंद्रिये विच मुराटो जो कि रूस की है। इसे किस लिए मिला है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए, जो कि लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इसके लिए इसे जो है मिला है। अब देखिए 2021 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो इसमें जो है तीन व्यक्ति को मिला है, डेविड कार्ड को आधा पुरस्कार मिला है और आधा जो पुरस्कार है वो जो है दो व्यक्ति को मिला है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू इम्बेंस। क्यों मिला है, किस किस कारण से मिला है, इनको जो है कारण संबंधों के विश्लेषण में योगदान के लिए जो है यह जो है पुरस्कार मिला है। प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए मिला है। वही अगर बात करें डेविड कार्ड को किस लिए मिला है, तो डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में उनके अहम योगदान के लिए जो उसे जो है पुरस्कार मिला है। तो जितने भी पुरस्कार मिले हैं सभी को जो हम बता दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझ के आप इसे जो है देख कर जाइए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन जो आएगा, क्योंकि इस बार जो नोबेल पुरस्कार जो है परीक्षा होने से पहले जो है आ गया है, तो इसलिए जो आप इसको इग्नोर नहीं करिए। तो अभी तक हम आपको जो है तीन मार्क का जो है क्वेश्चन बता दिए हैं तीसरा वीडियो के द्वारा, चौथा वीडियो अब देखिए हो सके तो 15 दिसंबर के बाद जो है फटाफट आएगा।